सायन्सपूर मैदान येथे आंतरशालेय फुटबॉल स्पर्धा सुरू आहेत. विविध शाळांच्या विद्यार्थिनींनी यामध्ये सहभाग घेतला आहे. विशेष म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या विद्यार्थिनी देखील या स्पर्धांमध्ये सहभागी झाल्या आहेत. 14 वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष वयोगटात हे सामने होत आहेत. मैं कमर जमील, शारीरिक शिक्षक, एसोसिएशन उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल चांदनी चौक अमरावती. यहाँ पर आए हुए कुंदले सर, फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव सुरवे सर, माला सर, मेरे साथी मैनेजर, टीम के मैनेजर जी सर, हमारे मैडम, और ये जो टूर्नामेंट आयोजित किया गया है यहाँ पर जिला क्रीड़ा कार्यालय द्वारा और फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर शालेय फुटबॉल टूर्नामेंट अंडर 14, 17, 19 गर्ल्स, ये बहुत ही अच्छा आयोजन हमारे फुटबॉल एसोसिएशन और क्रीड़ा अधिकारी हमारे बुंदले सर और हमारे DSO यादव सर यहाँ पर आयोजन किया गया है. बहुत ही डिसिप्लिन के साथ साइंस कोर मैदान पे ये टूर्नामेंट लिया जा रहा है. और एक टूर्नामेंट की विशेष बात यह है, अमरावती के इतिहास में टूर्नामेंट में शालेय स्पर्धा में उर्दू स्कूल की पहली बार टीम हिस्सा ले रही है. ये एक अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन है. खेलो इंडिया, बड़ो इंडिया, जो नरेंद्र मोदी का सपना है उसको सब लोग आगे बढ़ाते हुए साकार कर रहे हैं. ये जैसा मैंने आपको बताया, विशेष बात यह है कि बच्चियाँ 8वीं की अंडर 14 में अमरावती के इतिहास में पहली बार मुस्लिम लड़कियाँ अपने स्कूल से, अपने महल्ले से, अपने घर से बाहर निकलकर इस मैदान में साई स्कोर में अपना फुटबॉल का कौशल्य कुछ दिखाने वाली है. मैं इसके लिए हमारे स्कूल के मैनेजमेंट, हमारे मुख्याध्यापक और तमाम, और हमारे सुरवे सर, माला सर, बुंदले सर, सबका धन्यवाद अदा करूँगा कि जिन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा आयोजन किया और हमें खेलने का मौका दिया.